सीएम बन भी गई तो एजेंडा पूरा नहीं कर पाऊंगी। महबूबा मुफ्ती के बयान के क्या है मायने? मैदान छोड़ भागी महबूबा का क्या है प्लान? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। ऐसे में कड़ा मुकाबला होने के पूरे आसार हैं। एक तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन करके मैदान फतह करना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 370 हटने के बाद कश्मीर में एक नई सुबह हुई। ऐसे में अब इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसी की लड़ाई है। आखिरी बार 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी। 6 महीने तक राज्यपाल शासन रहा, इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, फिर 370 का खात्मा हुआ तो चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई। ऐसे में अब सबकी नजरें जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टियों पर टिकी हुई हैं, जिसमें पीडीपी को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। इसी बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया है, क्योंकि उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल महबूबा मुफ्ती से पूछा गया कि क्या चुनाव लड़ने को लेकर उनका इरादा बदला है, क्योंकि धुर विरोधी उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश बने रहने तक चुनाव में भाग नहीं लेने के लिए अपने रुख से पलटी मार ली है। तो इसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जो कहा उससे साफ समझ आ गया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती अपने बयान में कहती हैं, उमर ने खुद कहा कि चपरासी के तबादले के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। मुझे चपरासी के तबादले की चिंता नहीं है, लेकिन क्या हम अपना एजेंडा लागू कर सकते हैं? मैं भाजपा के साथ एक सरकार की मुख्यमंत्री रही हूँ जिसने 2016 में 12,000 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी वापस ले ली थी। क्या हम अब ऐसा कर सकते हैं? मैंने प्रधानमंत्री के साथ सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री के रूप में अलगाववादियों को बातचीत के लिए आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखा था, क्या आप आज ऐसा कर सकते हैं? मैंने जमीनी स्तर पर संघर्ष विराम लागू करवाया, क्या आप आज ऐसा कर सकते हैं? अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर प्राथमिकी वापस नहीं ले सकते तो ऐसे पद का क्या मतलब? तो महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान के जरिए ये बताने की कोशिश की कि अगर वो चुनाव लड़कर जीत भी गई और मुख्यमंत्री भी बन गई तो अपने मन से वो फैसले नहीं ले पाएंगे, इसीलिए चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में महबूबा मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है, तो देखना होगा कि बहुमत का आंकड़ा कौन पार करता है और जम्मू कश्मीर में क्या होता है और किसकी सरकार बनती है। अभी जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।